मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के बन रहे हैं मतदान पहचान पत्र। मतदान केंद्रों पर बीएलओ और प्रगणक युवाओं से ले रहे हैं आवेदन। 4 जनवरी शाम 6 बजे तक ही लिए जाएंगे आवेदन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली को अपग्रेड करने का कार्य जारी है। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के मतदान पहचान पत्र बनाने के लिए रविवार 3 जनवरी को क्षेत्रीय मतदान केंद्रों पर बीएलओ और प्रगणकों ने आवेदन लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश शर्मा के अनुसार 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा मतदाता मतदान सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर वहां मौजूद बीएलओ और प्रगणक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी शाम 6 बजे तक ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसे लेकर पंचशील वार्ड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में जनता कॉलोनी में शिविर लगाया गया। शिविर में वार्ड क्षेत्र के बीएलओ नरेंद्र कुमार माथुर और उनके साथ प्रगणकों ने आवेदन पत्र प्राप्त किए। जी बताइए, आज क्या कैंप रखा है, किस तरह से? ये नगर निगम चुनाव के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें नगर निगम चुनाव के लिए जो 18 वर्ष से जो हुए हैं, अभी 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के रहे, उनके लिए ये कैंप ज्यादातर वह है उनका नाम जुड़ाने के लिए, या कोई बाहर से अगर कोई दूसरे क्षेत्र में रहते थे वार्ड में और वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनका भी नाम स्थानांतरित हो सकता है यहाँ पे, और जो अपने किसी का करेक्शन है वो भी काम हो सकता है। ये राजकीय में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी वैशाली नगर स्कूल में आज कैंप लगाया है। इसका आ रहे हैं लोग? आ रहे हैं आप? आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, काफी जने आ रहे हैं। अभी करीब 10-12 जने तो फॉर्म आ चुके हैं हमारे पास में, और अभी कब तक चलेगा ये? 4 बजे तक का कैंप है हमारा, 10 से 4 का कैंप है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। इस मौके पर नए मतदाता बनने जा रहे युवाओं को मदद के लिए वार्ड क्षेत्र से पार्षद पद के प्रत्याशी किशन चेलानी उर्फ बंटी भाई ने युवाओं के आवेदन पत्र भरवाने में शिविर में पहुंचकर मदद की। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए मतदाताओं को मतदान सूची में शामिल करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वे सहयोग दे रहे हैं। हाँ बताइए चलन जी, किशन क्या क्या है आज प्रोग्राम है यहाँ पर, क्या कर? आज निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पे पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे पंचशील कॉलोनी के वार्ड 76 में लोग आ रहे हैं, यहाँ पे अपने परिचय पत्र बनवा रहे हैं वोटिंग देने के लिए, क्योंकि जल्द ही आगामी नगर निगम चुनाव है और उसमें वो वोट देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नए भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको जो अपने परिचय पत्र है उसके अंदर सुधार भी करवाना है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। यहाँ पे बीएलओ श्रीमती रमा शर्मा जी और माथुर जी हैं, यहाँ पे वो अपना सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, साथ ही मैं जो लोग आ रहे हैं उनको सेवाएं दे रहा हूँ और उनको पहचान पत्र भरवाने में मदद कर रहा हूँ।